पास में आओ। हाँ बोलो फोपटलाल, कहाँ से आए हो? हरियाणा। क्या नाम है? जनकराज। तो फोपटलाल कहाँ आए थे तुम? पिताजी के नाम था जी। अच्छा पापा को नाम तो सॉरी, और क्या पापा को नाम फोपटलाल है? नहीं छोटन। छोटन फिर तुम झूठ बोले, अबे तुम फोपट के रहे थे? नहीं नहीं बेचारा इसके चक्कर इस ब्याह के चक्कर में डिस्टर्ब हो गया। मैंने मारा नहीं है, नजर उतारी है। ब्याह जब होता है तो नजर उतारा जाता है, ठीक है। जो काले माले हो तो हल्दी लगा के गोरे करेंगे, पीले करके बह जाएंगे। हाँ बताओ क्या करना है, बोलो। गुरुजी जिंदगी में कैसे क्यों कर रहे हैं क्या हो जिंदगी? हाँ बोलिए। जिंदगी में बहुत उल्टे काम हुए हैं, बहुत गलतियां हुई, वो सारी मैं माफी मांगता हूं। माइक से बोलो। माफी मांगता हूं कान ऐसे करके। हाँ कहाँ कर रहे? कान पकड़ के माफी मांगता हूँ भगवान जी से। कहा कि आप शादी आदि हमें नहीं करने? नहीं शादी शादी की नहीं करा, तो मेरा अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, मेरे को अच्छा रास्ता मिल जाए। क्या चाहते हो बोलो? चाहे लड़की मिले ना मिले, मेरे को माइंड फ्रेश हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लड़की मिले ना मिले लेकिन माइंड फ्रेश हो जाए, फिर बाद में मत किया ना। हाँ अपन तो एक बार में लॉक कर देंगे, नहीं बाद में कहोगे हमें आपको फ्रेश हो गया, आप तो चाहिए क्या ले? उनकी उनकी वजह से मेरे को मारने की धमकी आई है। कौन ने दी धमकी बताओ? जिस लड़की की शादी हो रही है उसके हस्बैंड ने, और वो लड़की मेरे से बात कर शादी हो रही। हाँ। बाकी हस्बैंड ने शादी हो गई? हो गई शादी। अच्छा, शादी हो गई। उसके हस्बैंड ने। क्या नाम उसके हस्बैंड का? मंजीत। मंजीत कहाँ का है ये? जज्जर साइड। क्या कह रहा है ये? कह रहा हूँ मार दूंगा। लड़की फोन करती है, मैं फोन नहीं करता, लड़की का फोन आता है तो ये भी बड़ी बटमना है। भाई साहब जी आप अपनी खुद की मर्जी से आए कि किसी के कहने पे कह रहे हो आप? उस साइड मुंह करके बोलिए, आपकी सहमति है ये जो आप पूछ रहे हो? मैं बताऊंगा तो। हाँ आपकी सहमति है? हाँ। उस साइड को मुंह करिए। क्या नाम है आपका? जनकराज। पिता का नाम? छोटन। माँ का नाम? सोना। मैंने आपने पसंद किया तो मैं उत्तर देने के लिए बात दूं कि नहीं बताइए भैया? तो यदि बात है तो हाँ बताइए, मैं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए ना हमको, और नहीं बताना चाहिए तो ऐसे ऐसे कर दो, नहीं बताऊंगा। बताना चाहिए तो ऐसे कह दीजिए, ना बताए ऐसे कर दो। कितने लोग उनके समर्थन में है कि ना बताएं? बेटा मरता आदमी तो अकेले मरता, जन्म लेता तो अकेले लेता, इसलिए ऐसा काम मत करो कि कुटुंब को ना आए बतावे। नहीं नहीं वही मैं पहले बोल दिया, मिले ना मिले मैं फ्रेश हो जाऊं। अच्छा वही बोलती थी, उसका नंबर क्या, मोबाइल नंबर जानते हो? सर मोबाइल नंबर जानता हूं। अब तुम मत बोलो क्योंकि लोग उसको फोन करेंगे। वो कह रहा ये मत पूछवाओ नहीं तो सब लोग नहीं है तो ईमानदार, ऐसे व्यक्ति पे एफआईआर नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहा नंबर बताओ, कहने हो तो नंबर दे देता, तो तुम हमारी नहीं तो कहो भी नहीं लो नंबर। तो सब लोग बाकी सुबह शाम सुबह इतने मैसेज भेजते थे कि कहा है भैया तुम्हारी सच्चाई है कि नहीं है कि नहीं। चलिए हमने लिखा, सुनिए सही रास्ता चाहिए गुरुजी, सुनिए मैंने लिखा है। ये बताओ आप कितना प्यार करते हो? मैं उससे ज्यादा करता हूं, उससे ज्यादा करती है। वैसे ऐसे प्यार को टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अब गलती हो गई, शादी हो गई तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। चलिए मैंने लिखा, थोड़ा बहुत प्रयास किया है। गुरुजी एक मेरा भाई 2014 से बीमार है, वो भी ठीक कर दूंगा। तू डाटा समाप्त कर ले, फिर बाद मत करना, कर ले बात कितना करना है। किनारे पे आ गया डाटा तुम्हारा, हाँ कोई भी डाउनलोडिंग करी फटाफट डाटा समाप्त। और एक घर में रोजाना है, घर में डॉक्टरों के आना जाना लगा रहे। शांत, पूरा हो गया। हमने लिखा है आरती के, आरती देवी के पति का नाम मंजीत है। आपकी आरती का आधार नंबर 3513 है, मतलब आप तो जानते नहीं होंगे क्योंकि वो तो पत्नी बेचारी आप रखते हो। फोटो में लिखे हैं कि आधार है उसका, पूरी आईडी है उसने दे रखी होगी मोबाइल में, देख लो क्या बात है। वाह, मौका पड़ जाए तो कोर्ट मैरिज कैसे होगी, ट्रीटमेंट पूरा उसके पास, सलाह कोई अच्छा उसका गुरु, क्या बात है 73। वाह देखिए स्क्रीन पर छोड़ दिया जाए, ये पंडों का सगा दरबार जी नहीं, खीर पूरी खाई बोले कुआ बोले कुआ बब्बा लगे, ये घंटों वंटों का काम नहीं, ये हाथीवान वाला का दरबार है कि चलते फिरते ऐसी बिनती तो 24 घंटे हो जाते हैं, कहां घंटे गोटे फोटे हो रहे हैं, घंटे देवता खेल रहे। ये पूरे विश्व में एक ही तो स्थान है ऐसा परम पूज्य पार्षद गुरुदेवान श्री हाथीवान महाराज का, जहां उनका स्मरण करते ही उनके यदि कोई साधक कोई साधक वास्तविक साधक है तो पलक झपकते खेल कर देगा। यदि कोई झूठ गई मुड़ी मटकारा हो उनके नाम से तो कोई लोग की ताकत नहीं है कि हाथीवान महाराज पे कोई यूं कर जाए। उनके स्थान पे जो भी मटक रहा है या खेल रहा है
तो वह भूत नहीं, देवता नहीं, टोटल जूते खाने वाली एक्टिंग है। मैंने सीधा बता दिया कि उनके सामने कोई माइकराल मटकता नहीं है जब तक उनकी आज्ञा ना हो। कोई भी शक्ति उनका नाम नहीं ले सकती, ऐसे देव हैं वो। और कोई मटक रहा है और उनका नाम ले रहा है तो समझ लेना सीधे इसमें जूते खाने का डॉल कर रहा है। घर के लोग भी उसको पटक के अच्छे जूते मारो, भूत भाग जाएंगे, कहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपकी फ्रेंड का दोस्त स्त्री के रूप में, आपकी फ्रेंड आपकी स्त्री के रूप में रह चुकी है, 8 साल रही है, 8 साल प्रेम प्रेम चल रहा है। और क्या नाम है आपका? माइक से बोलिए। जनकराज। तुम्हारे पास तुम्हारा आधार कार्ड है तुम्हारा कि नहीं? तुम पत्नी को तो रखे हो है, तो उसका नंबर है 56 और 87। दोनों मौका पड़ेंगे तो कोर्ट मैरिज में दोनों लगेंगे, क्योंकि लड़की आने के लिए तत्पर बैठी है। उसने आपके मौसी के लड़के से कहा है कि शादी मत होने देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, लौट के आ रही हूं। कहा कि नहीं कहा? भाई सबोध कहा था। दूसरा पॉइंट, सन 2024 तक एक ई स्थिति तुम्हारी साकार होती दिख रही है। 24 के पहले शादी मत करना, और नहीं करना तो बताओ हमारे हवे आज गिरवा दें, बोलो। 24 से पहले नहीं करना ना? ठीक है, ठीक है, चलो बेटा कोई बात नहीं, अपनी साली से बात करते रहना, वो ही साथ देगी आपकी, ठीक है, उसकी छोटी बहन जिसको तुमने मोबाइल दे रखा है। मोबाइल तो नहीं दिया, नंबर तो दे रखा, नंबर भी नहीं, खुद का नंबर है उसका, नंबर बताओ नहीं, अरे भूल उतर जाएगा। चलिए, और तुमने जो दे रखा था तो आपकी मम्मी छुड़ा ले आई, ठीक चपक, अब पीछे लिखवा जाओ मैं सबको।